पटना के पास मसौली रेलवे स्टेशन पर आगजनी की गई है। स्टेशन के बाहर खड़ी कार और बाइक में आग लगा दी गई है। सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाया गया है। जहानाबाद में ट्रक और बस उपद्रव की आग में जलकर खाक हो गई। जम्मू में भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। आज बिहार बंद का ऐलान भी किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने भी उसको समर्थन दिया हुआ था। अब देखिए, ये बिहार में जो हो रहा है उसकी तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना, जहानाबाद, जमुई, इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ एक बार फिर हुई। और ये कोई नई तस्वीर नहीं है, चार दिन से ये हो रहा है। हमारे साथ अमिताभ जी हैं बीजेपी से। अमिताभ जी, देखिए ये जो तोड़फोड़ हो रही है इसका तो कोई समर्थन नहीं करता, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन नहीं करेगी। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, क्या वाकई अग्निपथ को लेकर देश में जो व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है, और चाहे उस विरोध के दबाव में हो या फिर सरकार ने कुछ आत्ममंथन किया हो उसके बाद, सरकार ने जो बदलाव किए हैं ये बताता है कि सरकार समझ रही है कि जो वो अग्निपथ योजना लेकर आई थी उसमें खामियां थी, उसका विरोध होना शुरू हुआ और उसके बाद सरकार ने बदलाव करने शुरू किए। पहले एज लिमिट बढ़ाई, उसके बाद रक्षा मंत्रालय में, फिर गृह मंत्रालय में रिजर्वेशन की बात कही, फिर अलग अलग सरकारें नौकरियों में प्राथमिकता की बात कर रही हैं। क्या ये चीजें होने से पहले रोकी नहीं जा सकती थी, अगर ये सारी चीजें पहले समझ ली जाती तो? देखिए, आपका जो पॉइंट है बहुत वैलिड है कि इतने जो विद्रोह की बातें हो जाती हैं, आगजनी, तोड़फोड़, ये आखिर क्यों होती। मेरा इसमें एक बहुत स्पष्ट मानना है कि जो सरकार है, यदि कोई पॉजिटिव अप्रोच से, कोई सकारात्मक अप्रोच से कोई काम कर रही है, तो उसके विरोध में जो फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष है आज की डेट में, जिसका कि कहीं से कोई और दूर दूर तक केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने के लिए उसके पास कोई हिंसक आंदोलन है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। और युवाओं की आप बात करते हैं, क्या युवा जो भी है उसके बारे में कोई सर्वे आप मीडिया एजेंसी करिए कि जो लोग हैं वो किस बैकग्राउंड के लोग हैं। देखिए, हर एक विपक्षी दल इतनी आसानी से आप अमिताभ जी, मैं आपको बोले दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से आप ये कहकर नहीं जा सकते कि ये सब कांग्रेस पार्टी के विपक्षी पार्टी के लोग हैं। क्या जितने युवा सड़क पर हैं सब विपक्षी पार्टी के लोग हैं? ये आप इनको कल विपक्षी पार्टी का ठहरा देंगे? नहीं, मेरा कहना है कि विपक्षी पार्टियों के पास चूंकि कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है, इस तरह से एक बरगलाया जाना या पूरी तरीके से विभ्रमित करना, और वो भी युद्ध को, ये एक आसान सी प्रक्रिया लगती है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इस विषय पर नहीं है। आप देखिए, कुछ ही दिन पहले ट्रेनों में आग लगाई गई थी, किस लिए? तो रेलवे के नौकरियों को लेकर, उस पर भी कुछ दिन पहले बहुत हंगामा हुआ था। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है कि सरकारी नौकरियों पर आश्रित जो नहीं, 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 सर, सर, तो ये मुद्दा चला जाएगा बेरोजगारी की तरफ, फिर तो मुद्दा चला जाएगा कि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, सरकार ने वो नौकरियां दी कि नहीं दी। मैं चरण सिंह सापरा को लाना चाहूंगा। चरण सिंह सापरा, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोग युवाओं को बरगला रहे हैं और इसलिए ये हिंसा हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको बीजेपी के प्रवक्ता को भी गलत फहमी है या इनको पूरी सूचना नहीं मिली है। इनके ही नेता वरुण गांधी जी ने भी इस स्कीम का विरोध किया है, इनको शायद अभी पता नहीं है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं इनको बता देता हूं। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, तभी जबान में नहीं, वरुण गांधी ने खुलेआम कहा है कि ये स्कीम में कहीं ना कहीं पूरी तरह से सोचा नहीं है। और यही बात विपक्ष की पार्टियां कह रही है कि आपको एक पहले पायलट प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था जिसमें आपको इसकी खामियां पता चलती। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 दिन प्रदर्शन हुआ तो आपने जो एज लिमिट है वो 21 से 23 कर दी। तीसरे दिन आपने क्या करा, आपने वो रिजर्वेशंस बढ़ा दिया। यानी आप इसमें जिस तरह से जीएसटी में चेंजेस लाए हैं, 376 चेंजेस आप जीएसटी में लेके आए हैं, उसी तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं का अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, 2 मुद्दे हैं यहाँ पर। अब चरण जी देखिए, 2 मुद्दे हैं यहाँ पर। एक, कि अग्निपथ जो स्कीम आई क्या वो फुल प्रूफ है, नहीं है तो उसमें क्या सुधार होने चाहिए। दूसरा, विरोध का ये तरीका कितना जायज। और इन दोनों चीजों में ये दिखता है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं। विरोध करिए, लेकिन इस तरह का विरोध, क्या आप इसका समर्थन करेंगे चरण सिंह सापरा? क्या आपकी पार्टी इस तरह समर्थन करेगी कि सड़कों पर आओ, बसें जला दो, ट्रेनें जला दो, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ कर दो? नहीं करेगी ना, या करेगी? मैंने इस शो के शुरुआत में कहा कि आगजनी का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। हाँ। लेकिन जो नौजवान आज सड़कों पर उतरा है वो परेशान है,